योग एक ऐसा शब्द जो अनंत है। योग का अर्थ है जोड़ना, और जोड़ा कितना भी जा सकता है, इसकी कोई संख्या ही नहीं। इसी प्रकार जो शारीरिक योग है वो भी अनंत है। इस संसार में जितने प्रकार के वृक्ष हैं उतने प्रकार के योग हैं, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं उतने प्रकार के योग हैं। योग आपके शरीर में जोड़ने का कार्य करता है। आप क्या जोड़ना कर चाहते हैं और कौन सा योग करते हैं, हम आज बात करते हैं आत्मयोग, अपने आप को जानने। कई बार हम बोलते हैं कि आत्मा से आवाज निकलती, यह बात सही। कई बार आत्मा बोलते हैं, जब ये मन और शरीर इन दोनों का दबाव आत्मा पे कम हो जाता है तब कुछ आत्मा अपने मन का बोल पाती है। जब शरीर में मीठा खाने से आप कहते हैं आत्मा को तृप्ति होती, तब आत्मा को तृप्ति नहीं होती, शरीर को होती है, और शरीर के द्वारा मन प्रसन्न हो जाता है। आत्मा की तृप्ति किसी और तरीके से होती है, और यदि आत्मा की ऊर्जा होती है शरीर में तो शरीर में किसी भी प्रकार का विकार संभव नहीं। उस आत्मा के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर, उस ऊर्जा के द्वारा ही जिसे हम कहते हैं प्राणवायु, मनुष्य अपनी आयु को 100 से अधिक 200 300 वर्ष तक ले जा सकता है। जितनी अधिक उसमें प्राणवायु को रोकने की क्षमता है वो योगी उतनी अधिक आयु ले जा सकता है। जो वायु का स्थान है वो नाभि में, ये नाभि में वायु, इस नाभि में हमारी जान है। वो जब वायु ऊपर आती है नीचे जाती है तब हमारे किसी भी स्थान में कोई क्षति होती है तो हम जीवित नहीं रह पाते। परंतु रावण में वो शक्ति थी, उसमें योग की वो ऊर्जा थी जो उसने योग से प्राप्त की थी कि वो अपने आत्मा को या अपने सूक्ष्म शरीर को अपने नाभि में स्थिर कर लेता था और नाभि में रख लेता था, जिसे हम कहते हैं कि रावण की नाभि में अमृत था। नाभि में उसकी वायु थी, उसकी आत्मा थी, जो शरीर कुछ भी अंग भंग हो जाने के बाद भी वो नष्ट नहीं हो सकती थी। वो आत्मा इस शरीर से निकल ही नहीं सकती थी, और जब तक ये निकलेगी नहीं तब तक शरीर जिंदा कहलाएगा। वो था रावण महायोग। अब हमें जब अपने आत्मा को जानने की कोशिश करनी है या आत्मा से हमें मिलन करना है, क्योंकि हम जब पहले मिलन करेंगे किसी व्यक्ति से मिलते हैं फिर हमारी उससे प्रेम बढ़ता है, दोस्ती बढ़ती है, फिर समय हमारा बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से हमें सबसे पहले आत्मा से मिलने की कोशिश करनी, फिर हम उससे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर तो हम उसके साथ घंटों समय बिताएंगे। वो आत्मा आपके साथ जितनी देर आप रखना चाहेंगे, जितनी देर आप उससे मिलना चाहेंगे उतनी देर तक आपको। हमें इसके लिए एक चीज को समझना होगा, जैसे एक सिक्का होता है, सिक्का के दो पहलू कहलाते हैं, एक हेड और एक टेल। पर सिक्का सिक्का है, और सिक्के का हेड है यह हमारा शरीर, सिक्के का टेल है यह हमारा मन। अब हमें शरीर और मन के बीच में, हेड और टेल के बीच में, उस पैसे को, उस रुपए को पहचानना है जिसमें भारत सरकार रूपी आत्मा है
जिसके कारण उस छोटे से सिक्के की वैल्यू, उस आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो सांस है, जो हम वायु के द्वारा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो हम जब सांस को लेते तब हमें विचार करना है कि ये मेरा मन और ये मेरा शरीर, इन दोनों के विचार में जाना है कि ये दोनों मेरे नहीं, ये मैं हो ही नहीं सकता, मैं इसके अंदर स्थित हूं। तो आप जब सांस को अंदर की ओर लेते हैं तब आपको ये सोचना है, विचारना है कि आप शरीर नहीं, और जब आप सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं तब आपको यह फील करना है कि मैं मन भी हूं। आपको सांस का लेना और छोड़ना जो होगा, आंख बंद करके ध्यान लगाकर, सिर्फ आपको इसी चीज में ही ध्यान देना कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर हूं। आई रेडी, आंखों को बंद कीजिए, सांस को अंदर की ओर लीजिए और ये फील करिए मैं शरीर नहीं, छोड़िए मैं मन, फिर लीजिए मैं शरीर नहीं, फिर सांस को छोड़िए मैं मन। इस प्रकार निरंतर मन में विचार करते जाइए, आंख बंद हो बस इसी प्रकार का विचार करिए, सांस अंदर लेना है मैं शरीर नहीं, सांस को बाहर निकालना है मैं मन भी नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ मैं शरीर नहीं हूँ मैं मन नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ मैं शरीर नहीं हूँ मैं मन, मैं शरीर नहीं मैं मन। बस इस प्रकार विचार करते जाए, दोनों आंखों के बीच, दोनों भावों के बीच आंख बंद करके देखिए, आपको एक प्रकाश दिख रहा है, उस प्रकाश को देखने की कोशिश कीजिए। सांसों से विचार में ये चलते रहना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं मन, मैं शरीर नहीं मैं मन, मैं शरीर नहीं मैं मन। उस प्रकाश को देखते जाइए, वो प्रकाश आपको दिख रहा है, वो प्रकाश जो है वो अंत में व्याप्त है, जो ओम रूप में स्थित, उस ओम को देखिए, उस प्रकाश को देखिए, वो प्रकाश ऊर्जा आपको ओम के रूप में स्थित दिखेगी, जिससे प्रकाश ऊर्जा निकल रही है। देखिए सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, उस प्रकाश में आप घूम रहे, ना आपका मन है ना आपका शरीर है, सिर्फ आपकी आत्मा देखिए भ्रमण कर रहे। यही है लोग, ऐसे कितने लोग हैं, यही सर्वलोक का रास्ता है, यही ब्रह्म के जानने का रास्ता है, कहीं लोक में स्थित ब्रह्म बैठे हुए हैं, आपकी आत्मा भ्रमण कर रही है प्रकाश में चारों ओर, विकास सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा, इससे आपके शरीर में जो ऊर्जा जा रही है आत्मा के द्वारा, जो शरीर में ऊर्जा जा रही है वही ऊर्जा आत्मा है, वही आत्मस्वरूप है, वही सब लोग है, वही ब्रह्म है, वही आप है। अपने आप को देखिए, यही आप है, यही आप है। आपको इससे प्रेम होने लगे, आपको अपनी आत्मा से प्रेम होने लगे। इस आत्मा को आप आलिंगन कीजिए, इसके समीप जाइए, यही जो ओम है, यही जो चमक है, यही जो प्रकाश है, यही आत्मा, इसी में आपको जुड़ना है, इसी में आपको जाना है,
क्योंकि यही तो आप हैं, यही तो आप हैं। बस आपको इसके अंदर जाते जाइए, जाते जाइए, जाते जाइए, जाते जाइए, आपको प्रकाश ही प्रकाश दिखता जाएगा, गहराइयाँ ही गहराइयाँ दिखती जाएंगी। बस उस प्रकाश में चलते जाइए, कुछ भी नहीं आपको दिखेगा। भय आपसे चला गया, शरीर आपसे चला गया, मन आपसे चला गया, कष्ट आपसे चला गया, आपके शरीर में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ आत्मा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आत्मस्वरूप है, यही आप है। अपने आप को समझिए, देखिए, आप बंद आँखों से अपने आप को देख रहे हैं, सिर्फ ज्वाला रूप में देख रहे हैं, सिर्फ अग्नि रूप में देख रहे हैं, सिर्फ प्रकाश रूप में देख रहे हैं, यही तत्व है, यही आत्मा है, यही आप है। बस अपने आप को देखते जाइए, देखते जाइए, लीन होते जाइए, अपने आप में ही आप आत्मस्वरूप देखते जाइए, उस देखते जाइए, आत्मा को देखते देखते अब आपको सांस को बहुत स्लो कर लेना है और मन में विचार फिर करेंगे, मैं शरीर नहीं, मैं मन भी, सांसों की गति को स्लो करते जाओ, धीमे करते जाओ, मेरे शरीर में मन भी नहीं। अब इन्हीं सांसों की धीरे गति से बना फिर जाइए पांव के बीच में, दोनों आंखों के बीच में आंखें बंद, इसी बहुत स्लो सांसों की गति से आप पहुँच जाना है, बहुत धीरे धीरे पांव की ओर जाना है, बहुत धीरे धीरे प्रकाश की ओर जाना है, बस उस प्रकाश में जाते जाए, सांसों की गति बहुत धीरे हो चुकी है, मन भी फिर आप उसी प्रकाश की ओर चलते जाए, पांव की ओर चलते जाए, जाते जाए, जाते जाए, आप अपने आप को देख रहे हैं, अपनी आत्मा को देख रहे हैं, उसे जाने दीजिए, उसके साथ चलते जाए, क्योंकि वही आप, जहां आप जा रहे हैं ऊर्जा स्थान, आत्मा ऊर्जा ले रही है, यानी आप ऊर्जा लेने जा रहे हैं, उस ओम से, उस वायुमंडल से, उस ब्रह्म से, उस
उस ऊर्जा के द्वारा आपका पूरा शरीर निर्भोर निर्विकार निर्भाव पूर्ण रूप से खाली हो चुका है। उसमें सिर्फ ऊर्जा प्रकाश बस वही दिख रहा है। वही ऊर्जा आपके शरीर का कण व्याप्त हो चुकी है। आपके शरीर से देखिए किस प्रकार प्रफुल्लित ऊर्जा निकल रही है। आपके अंदर आती हुई ऊर्जा राम चित्तों के द्वारा बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। आपके शरीर में कितनी अच्छी अद्भुत हो रही है, देखिए किस प्रकार ऊर्जा आ रही है, किस प्रकार की खुशबू चारों ओर फैल रही है, जिस प्रकार आप स्वयं में बैठे आहा इस महक का आनंद लीजिए। यही आत्मा को खुशबू प्राप्त होती, इसी की चाह में आत्मा तृप्त होना चाहिए। तृप्ति दीजिए आत्मा, इसको भवन में घूमने दीजिए, घूमने दीजिए आत्मा, प्यारी खुशबू का एहसास कीजिए, जाने दीजिए ना भी स्थान वैसे, आने दीजिए ना भी स्थान वैसे, आप आ रहे आत्मा आ रहे, यही आप यही आत्मा है और यही समस्या जो आपकी आगे नाभि में स्थित होगी उसे पहचान पहचान पहचान।